राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 19-20 का आयोजन टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। इस मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में 7 राज्यों से बुनकर व हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य ललन तिवारी ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ व अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। आज के विशिष्ट अतिथि गोरखपुर के माननीय आयुक्त श्री जयंत नालेकर साहब, जिलाधिकारी श्री के विजेंद्र पांडियन जी और हमारे वरिष्ठ क्या है वहाँ दुकानों का नाम आप सुन रही है ना। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, देखिए होंगे तकरीबन 80 दुकान लगे हुए हैं, उसपे 7 से 10 राज्य से आए हुए लोग हैं, बुनकर लोग हैं, जो इस पे खादी से जुड़े हुए लोग हैं, अपने अपने स्टॉल लगे हुए हैं। ये तो बहुत मुश्किल से गोरखपुर जैसे शहर में मौका मिलता है, ताकि इतने राज का जो चीज़ है एक ही जगह मिलने के लिए। और जो यहाँ मैं आम जनता से, जो गोरखपुर जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, 4 दिसंबर तक ये प्रदर्शनी चलेगा। आप लोग बाहर कितने भी खर्च करते हो, यहाँ आकर के जो भी खर्च करते हैं, जो गरीब बुनकर के घर पर जाता है, एक दिया जलाने का काम करता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप आकर के आप देख लीजिए आपको जो कितने मनपसंद है जो चीज़ है, वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए प्रयास करें, ताकि इस पर तो दोनों चीज़ जुड़ा हुआ है। आपको जो ज़रूरत है उस हिसाब से क्वालिटी बहुत क्वालिटी सहित आपका चीज़ें कपड़े हैं सारे मिल जाएगा, साथ साथ आप एक बुनकर भाई को भी तो आपको सहयोग देने का जो एक मौका मिलता है। यहाँ तो देखिए जम्मू कश्मीर से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, कोई साउथ से, बिहार से आए हैं, पंजाब से आए हैं, तकरीबन 7 स्टेट से आए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं अभी। बेसिक शिक्षा गोरखपुर के तत्वावधान में